हेलो व्यूअर, देखिए आज का इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा आपका मोबाइल पर जो फेसबुक लॉगिन है ना, उस फेसबुक का पासवर्ड को कैसे आपका मोबाइल से चेंज करना है, वही आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए बहुत टाइम हम लोग का मोबाइल पर जो फेसबुक लॉगिन रहते हैं ना, उसी के हम लोग का पासवर्ड हम लोग का पता नहीं रहता, और उस टाइम हम लोग का फेसबुक का पासवर्ड को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए। और मैं हूँ आपका दोस्त विप्लव, और आप देख रहे हैं आपका खुद का यूट्यूब चैनल विप्लव टेक्नोलॉजी चैनल है। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग को फुल वीडियो डिटेल्स में दिखाते हैं। चलिए आपका इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये देखिए अभी मेरा मोबाइल पे मैं आ चुका हूँ, और अभी आपका फेसबुक का पासवर्ड को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपका फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। मैं अभी मेरा मोबाइल का फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, और इस फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद ऊपर कॉर्नर पे आपको फेसबुक का प्रोफाइल फोटो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 3 लाइन देखने को मिलेगा। अभी इस 3 लाइन को प्रेस कर दीजिए, मैं भी इस 3 लाइन को प्रेस कर देता हूँ। और इस 3 लाइन को प्रेस करने के बाद देखिए ऊपर कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा सेटिंग आइकन देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको नीचे देखने को मिल सकता है देखिए सेटिंग एंड प्राइवेसी, इसमें से किसी एक को प्रेस कर दीजिए। अभी मैं इस सेटिंग आइकन को ही प्रेस कर देता हूँ, आप लोग भी किसी एक को प्रेस कर दीजिए। और इस सेटिंग आइकन को प्रेस करने के बाद देखिए नीचे आपको देखने को मिल जाएगा सी मोर इन अकाउंट सेंटर, अभी इसे प्रेस कर दीजिए। चलिए मैं अभी इसे प्रेस कर देता हूँ। और इसे प्रेस करने के बाद देखिए नीचे आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, अभी इसे प्रेस कर दीजिए। और इस पासवर्ड एंड सिक्योरिटी को प्रेस करने के बाद देखिए नीचे आपको देखने को मिलेगा चेंज पासवर्ड। देखिए अभी आपको फेसबुक का पासवर्ड को चेंज करने के लिए इस चेंज पासवर्ड को प्रेस करना पड़ेगा, मैं भी इस चेंज पासवर्ड को अभी प्रेस कर देता हूँ। और इस चेंज पासवर्ड को प्रेस करने के बाद देखिए इसमें आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं तो आपको बहुत सारा फेसबुक अकाउंट देखने को मिल सकते हैं। अभी आप लोग जिस फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो ना, उस फेसबुक अकाउंट को प्रेस कर दीजिए। चलिए मैं अभी आपको दिखाने के लिए मेरा कोई भी फेसबुक अकाउंट को प्रेस कर देता हूँ। और इस फेसबुक अकाउंट को प्रेस करने के बाद देखिए नीचे आपको देखने को मिलेगा चेंज पासवर्ड। देखिए अभी आपका फेसबुक का पासवर्ड को चेंज करने के लिए नीचे आपको देखने को मिलेगा करेंट पासवर्ड। देखिए अभी आपको इस फेसबुक अकाउंट को जो करेंट पासवर्ड है इसमें आपको देना पड़ेगा, और इसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा न्यू पासवर्ड। अभी आपका फेसबुक अकाउंट को जो नया पासवर्ड आप लोग रखना चाहते हो ना, उसमें आपको लिख लीजिए, और इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा रीटाइप न्यू पासवर्ड। पहले अपना जो न्यू पासवर्ड पे जो पासवर्ड दिया था ना, और फिर से इसमें आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा चेंज पासवर्ड, इसे प्रेस करना पड़ेगा। और इसे प्रेस करने के बाद आपका फेसबुक का जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। और देखिए बहुत टाइम हम लोग का फेसबुक का जो करेंट पासवर्ड ना वो हम लोग का याद नहीं रहता, तो उस टाइम कैसे आपका फेसबुक का पासवर्ड को कैसे चेंज करना है, देखिए मैं इसी के रिलेटेड एक वीडियो क्रिएट की हूँ आपका फेसबुक का जो करेंट पासवर्ड है वो क्या है वो देखने के लिए। आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो, मैं उस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहे तो डिस्क्रिप्शन जाके उस वीडियो को देख सकते हो। अभी चले आप लोग को दिखाता हूँ आपका फेसबुक का जो पासवर्ड है उसे कैसे रिसेट करना है। इसे रिसेट करने के लिए देखिए नीचे आपको देखने को मिलेगा फॉरगेट योर पासवर्ड, इसे प्रेस कर दीजिए आपका फेसबुक का जो करेंट पासवर्ड है उसे फॉरगेट करने के लिए। चलिए मैं अभी इसे प्रेस कर देता हूँ। इसे प्रेस करने के बाद देखिए नीचे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा आपका फेसबुक का पासवर्ड को रिसेट करने के लिए। देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा व्हाट्सअप, जो कि आपको व्हाट्सअप में आप लोग एक कोड ले सकते हो जो कि आपको फेसबुक का पासवर्ड को रिसेट करने के लिए। और इसका नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ईमेल, देखिए आपको ईमेल के थ्रू भी आपको फेसबुक का पासवर्ड को रिसेट करने के लिए कोड ले सकते हो। और इसका नीचे आपको देखने को मिल जाएगा SMS, देखिए आपका मोबाइल पे SMS के थ्रू भी आपको फेसबुक का पासवर्ड को रिसेट करने के लिए एक कोड ले सकते हो। इसमें से आपको जो भी आपको इजी लगे ना उसे आपको टिक करना पड़ेगा, जिससे कि मैं इस ईमेल को प्रेस कर देता हूँ। और प्रेस करने के बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कंटिन्यू, अभी सिंपल से इस कंटिन्यू को प्रेस कर दीजिए। मैं भी आपको दिखाने के लिए सिंपल से इस कंटिन्यू को प्रेस कर देता हूँ। और इस कंटिन्यू को प्रेस करने के बाद आपने जो भी ऑप्शन को सिलेक्ट किया था ना, उधर पे आपको एक कोड चला जाएगा जो कि 6 डिजिट का, उस कोड को इसमें आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ईमेल को सिलेक्ट किया था। अभी चलिए मैं बैक करके मेरा ईमेल को पहले ओपन कर लेता हूँ, और बैक आने के बाद मेरा ईमेल को मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। और ईमेल को ओपन करने के बाद देखिए सबसे पहले मेरा फेसबुक से एक ईमेल आ चुका है, अभी इसे प्रेस कर देता हूँ। ईमेल को प्रेस करने के बाद यही देखिए इसमें आपको 6 डिजिट का कोड आ चुका है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा इस कोड को आपको उधर पे लिखना पड़ेगा। चलिए मैं अभी इसे बैक करके फिर से मेरा फेसबुक पे चला आता हूँ, अभी इसे बैक कर लेता हूँ।
और फेसबुक पे चलाता हूँ। और इस फेसबुक पे आने के बाद इस कोड को इसमें आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद देखिए नीचे आपको देखने को मिल जाए कंटिन्यू, इस कंटिन्यू को प्रेस करना पड़ेगा। और इस कंटिन्यू को प्रेस करने के बाद आपका फेसबुक का पासवर्ड को आप लोग रिसेट कर सकते हो। चलिए अभी आप लोगों को दिखाया था आपका फेसबुक पे अभी कौन से ईमेल आईडी आप लोग लॉगिन है वो कैसे चेक करना है। इसे चेक करने के लिए सिंपल से इधर से बैक आ जाता हूँ और इसे भी बैक कर देता हूँ और इसे भी बैक कर देता हूँ। और इधर पे आने के बाद देखिए नीचे आपको देखने को मिल जाएगा पर्सनल डिटेल्स, अभी इसे प्रेस करना पड़ेगा। इसे प्रेस करने के बाद देखिए नीचे आपको देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट इन्फो, अभी इसे प्रेस कर दीजिए। और इसे प्रेस करने के बाद देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा अभी आपका फेसबुक का अभी कौन सा ईमेल आईडी लॉगिन है, नहीं तो कौन सा मोबाइल नंबर अभी लॉगिन है। और इसी तरीके से आपका फेसबुक का पासवर्ड का आप लोग चेंज कर सकते हो। ये वीडियो आप सभी फेसबुक यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये वीडियो आप सभी को देख के कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकती हो। और ये वीडियो आप सभी को देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा वाला आइकन है उससे भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमेशा लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।